हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैड स्टाइलर्स ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिजाइन करेंगे स्क्रू ड्राइवर। लास्ट वीडियो में हमने स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर को डिजाइन किया था, सो आई होप आपने वो स्क्रू ड्राइवर बना के देखा होगा। सो आज की इस वीडियो में हमारे पास ये वाला स्क्रू ड्राइवर है, इसे हम कहते हैं क्रॉस स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर, और इसे हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी बोल देते हैं, और इसे हम स्टार स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं, बिकॉज इसकी टिप जो है वो एक तरह से स्टार टाइप की होती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसकी टिप होती है, इसलिए इसे हम स्टार स्क्रू ड्राइवर भी बोल देते हैं, और इसे हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर और क्रॉस स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। ओके, सो इसकी डायमेंशन एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास डायमेंशन किस तरह से आ रही है इसकी, फिर उसके बाद इसे डिजाइन करेंगे वन बाय वन, और एंड में इसे असेंबल करेंगे और उसका रेंडर निकालेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है इसका फ्रंट व्यू, और यहाँ पे टिप से इसका टॉप व्यू दे रखे है, और यहाँ पे इसका बॉटम व्यू दे रखे है। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन व्यू दे रखे है, एक प्रोजेक्शन व्यू यहाँ पे दे रखे है, और एक टॉप व्यू यहाँ पे भी दे रखे है, जिसमें हमारे पास जो हमने ये स्टार का स्लॉट काट रखे है उसका एंगल दे रखे है यहाँ पे। ओके, और एक डायमेंशन दे रखी है इसकी डिटेल्ड व्यू, जो हमारे पास ये वाले थ्रेड्स आ रहे हैं इनकी जो डिटेलिंग वो यहाँ दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी सबसे पहले हैंडल बनाया था, यहाँ पे भी हम हैंडल ही बनाएंगे। तो हमारे पास क्या दे रखे है, सबसे पहले 85 की लेंथ दे रखी है, और 16 का एक डाया दे रखे है, उसके बाद 1.9 की एक लेंथ दे रखी है, और यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल दे रखे है दोनों के बीच में। ठीक है, सो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 110 पे एंगल लगा लूंगा, और ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे मिरर कर सकता हूँ 3 की लेंथ लेने के बाद। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है मेरा वो 40 डिग्री आ जाएगा, और उसके बाद ये जो थ्रेड बनाने हैं उनकी डिटेलिंग यहाँ दे रखी है 5.2 की लेंथ लेने के बाद। मेरे पास एक रेडियस आ रहा है 17.45 का, जिसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20.8, तो मैं यहाँ से ऑफसेट कर दूंगा, और मेरे पास ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको मैं ज्वाइन करके आर्क लगा दूंगा 17.45 की, और रेस्ट मैं इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। और उसके बाद मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास जो रोड आ रही है जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास रोड असेंबल होगी, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे स्लॉट बनाना पड़ेगा। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाया था उसी तरह से हमने यहाँ पे भी बनाना है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, सेम 50 mm का डिस्टेंस दे रखा है, और बीच में एक की आ रही है जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है 2.5, और बाकी डायमेंशन कितनी दे रखी है 8 mm, हाइट कितनी दे रखी है 8 mm की, और जो डेप्थ है उसकी वो 0.5 mm। सो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, एल एंटर 0.0, 85.0, और एट द रेट 0.8 mm, और एट द रेट -1.9.0, लेस देन 110। सो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद एट द रेट -3.0। तो यहाँ तो ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें डायमेंशंस भी हम चेक कर सकते हैं, ये देखिए मैंने भी सिर्फ कोऑर्डिनेट से ही बनाया है। सो कोऑर्डिनेट से कितने इजीली कोई भी ड्राइंग आप बना सकते हो, कोई भी स्केच आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी चीज आप ड्राफ्ट कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस हैं, सो आप इसे यूज कर सकते हो। और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ सकते हैं। सो ये चीज मेरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना है। देखिए ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है 8 mm का, तो 16 था उसका हाफ मैंने ले लिया था यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास एक डिस्टेंस दे रखा है 21 का इसके टॉप तक। ठीक है, तो 21 का हाफ कितना हो जाएगा 10.5, तो 10.5 ले लेंगे, ऑफसेट कर देंगे 10.5 इसको। सो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट इसको ट्रिम कर दीजिए, और जो नहीं चाहिए उसे इरेज कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, और ऑर्थो ऑन करके मैं यहाँ पे 3 mm की लेंथ लेने के बाद इसे मिरर कर सकता हूँ इस तरह से। इसके सेंटर पॉइंट से इसको मैं मिरर कर दूंगा। ओके, देन मेरे पास यहाँ पे एक लेंथ थी 5.2 की, जो मेरे थ्रेड थे उसकी लेंथ। ओके, और यहाँ पे एक चीज और है, मुझे ये जो आर्क लगाने इसका डिस्टेंस दे रखा है 20.8 का स्टार्टिंग से। सो ऑफसेट कर दूंगा मैं यहाँ पे 20.8 mm इस तरह से, और इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, देखिए ये टिप पे
तो जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इसका भी डिस्टेंस है, सो कोलिनियर ही है, सो इसका भी मैं डिस्टेंस कितना रखूंगा 21 ही रखूंगा। तो ये इसके पैरेलल आ रहा है, इट मींस इसका डिस्टेंस भी 8 एमएम है। सो इसका डिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए 8 एमएम आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रेच अप्लाई कर दूंगा इस ऑब्जेक्ट पे। तो 8 एमएम में तो मुझे कितना करना है 10.5, तो 2.5 से मैं स्ट्रेच कर लूंगा। सो इस तरह से ये मेरी लाइन आ जाएगी। इसका डिस्टेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए 10.5 आ रहा है, इट मींस हम एग्जैक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे आर्क लेनी है। सो आर्क आ जाएगी मेरे पास स्टार्ट एंड और रेडियस। तो स्टार्ट पॉइंट ये आ रहा है, एंड पॉइंट ये आ रहा है, रेडियस क्या आ रहा है मेरे पास, ये देखिए डायरेक्शन बिल्कुल सही आ रही है, इट मींस हम इसी डायरेक्शन में बनाएंगे। तो 17.45 का मेरे पास यहाँ पे रेडियस आ रहा है। तो इस तरह से ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को रिमूव कर रहा हूँ। क्यों, यहाँ पे जो मेरे पास थ्रेड्स बनाने हैं उसकी डिटेलिंग दे रखी है। एक जो मेरा बड़ा सर्कल है वो कितना है 0.4 एमएम का, और एक छोटा सर्कल है वो है 0.2 एमएम का। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं 5 सर्कल लगा लूंगा यहाँ पे, बट उसके लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से मैं 0.4 एमएम का एक डिस्टेंस ले लेता हूँ ताकि मैं सर्कल इजीली लगा सकूं। तो ये मेरा टिप आ रहा है, यहाँ से मैं 0.4 एमएम का एक सर्कल लगा लेता हूँ, और इसी टिप से मैं एक और 0.2 एमएम का डिस्टेंस ले लेता हूँ, और यहाँ से भी मैं एक सर्कल ले लूंगा 0.2 एमएम का, ओके। और इसे मैं ट्रिम कर दूंगा हाफ से, इसे डिलीट कर दीजिए, इसे एक्सटेंड कर लीजिए, और इसको मैं हाफ से ट्रिम कर दूंगा इस तरह से। तो इस तरह से मेरे पास ये वाला कर्व आएगा। मुझे इसे क्या करना है, ज्वाइन करना है, एंटर। अब यहाँ पे एरे अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, और हमें रेक्टेंगुलर एरे सिलेक्ट करना है। काउंट्स चाहिए मुझे, कॉलम्स कितने चाहिए 5 चाहिए, और रोज कितने चाहिए 1 चाहिए, स्पेसिंग कितनी चाहिए 1.2 एमएम की स्पेसिंग है। सो 1.2 की स्पेसिंग आ गई है मेरे पास, और डिस्टेंस बिटवीन द रोज सेम रहने दीजिए क्योंकि हमारे पास रो एक ही है, ओके। सो इसके क्लोज कर दीजिए, देन ट्रिम करना है मुझे। तो अभी ये बिल्कुल ज्वाइन है, ट्रिम नहीं होंगे, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। सो ये एक्सप्लोर हो गए, ट्रिम कर दीजिए जो मेरे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ से ये चीज बन जाएगी। रेस्ट हमें सभी को अगेन ज्वाइन करना है, तो इस तरह से ये मेरे पास ज्वाइन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने एक चीज श्योर करनी है कि आपका हर एक ऑब्जेक्ट जो है, खासकर ये जो आपने थ्रेड्स बनाए हैं, इनको आपने ज्वाइन जरूर करना है। अगर आपका यहाँ पे ज्वाइन नहीं होगा, अगर आप रिवॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस में बन जाएगा, ठीक है। तो सरफेस में नहीं बनाना है आपने, इसको प्रॉपर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ से इस लाइन को रिमूव कर लेते हैं, और रेस्ट हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, इनको ट्रिम कर लेंगे। ये चीज हमारे पास कम्प्लीट हो गई, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर जो रॉड है वो यहाँ पे असेंबल होगा, तो उसके लिए मुझे स्लॉट भी चाहिए। सो उसके लिए मैं स्लॉट बना लेता हूँ, ओ एंटर 50 एमएम। सो यहाँ से 50 एमएम हो जाएगा, और यहाँ से हमारा रोड का डाया कितना है 5 एमएम। सो ओ एंटर 2.5 एमएम। सो अगेन जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, -2.5, -2.5। सो इस तरह से ये चीज आ जाएगी, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो नहीं चाहिए उसे ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। So, अब ये पार्ट हमारा रेडी है रिवॉल्व होने के लिए। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे। चेक कर लीजिए आपका ज्वाइन है कि नहीं है, जो अगर नहीं ज्वाइन होगा तो आप उसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो रिवॉल्व अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, 0.0, सेंटर एक्सिस आ रही है मेरी 10.0, सो बेनिफिट ऑफ ओरिजिन, एंटर। सो इस तरह से आपका ये जो है हैंडल रेडी हो जाएगा। इसे शेडेड व्यू में एक बार चेक कर लेते हैं, इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, इसमें दो काम करना है। एक हमें ये कट लगाना है जिसके डाइमेंशंस यहाँ पे दे रखी हैं, ओके। और इसके बाद हमें ये की भी बनानी है जो अंदर से खाली रहेगी, और रोड के अंदर जो यहाँ से देखिए ये भी दिख रहा है यहाँ पे आपको, जो ये की आ रही है इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे भी बनाएंगे और रोड के ऊपर भी बनाएंगे हम इसे। सो रोड में एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रेडियस दे रखा है आर्क का, जो मुझे चाहिए कट करने के लिए, कितना दे रखा है 10.5 एमएम। तो वो किसके साथ टेंजेंट है, 8.99 के सर्कल के साथ टेंजेंट है, ठीक है। जो मेरा आउटर सर्कल है वो कितना दे रखा है, 21 का दे रखा है।
सो मैं एक्स्ट्रा लेके चलूंगा ताकि मुझे जो टिप है वो क्लियर मिले, ठीक है। सो यहाँ क्या करेंगे, हम टॉप व्यू सिलेक्ट करेंगे और इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे एक्स वाई प्लेन पे। तो इस तरह से हमारे पास ये प्लेन आ जाएगा टॉप। सो यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लूंगा 0.021 का, मेरे पास डाया आ रहा था, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10.5। सो 10.5 से मैं एक्स्ट्रा लेके चलूंगा 10.6 ले लेता हूँ, 0.6। ओके सो ये मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सर्कल ले लूंगा एक 20.0 पे, एक सर्कल ले लूंगा कितने एमएम का, 10.5 का अगेन, और इसी में सेंटर पे भी एक सर्कल ले लेंगे 8.99 का, जो कि इसके साथ टेंजेंट है। ये देखिए, ये है मेरा 8.99 का और ये मेरे पास 10.5 का, तो इन दोनों को टेंजेंट कर देंगे। टेंजेंट कैसे करेंगे, पैरामेट्रिक में चले जाएंगे, टेंजेंट अप्लाई करेंगे, जिसको फिक्स रखना है वो पहले आएगा, जिसको मूव करना है वो बाद में आएगा। सो ये टेंजेंट हो जाएंगे, इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, और इसको हम एरे कर देंगे ट्रिम करने के बाद। ये चीज मेरी ट्रिम हो गई है, और यहाँ से मैं इसको भी ट्रिम कर सकता हूँ ताकि दोनों को ज्वाइन करके मैं इजी एरे कर सकूँ। सो ज्वाइन कर देंगे दोनों कर्व्स को, ये कर्व आ रही है मेरे पास और ये कर्व आ रही है, एंटर। सो एरे कर देंगे यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, पोलर सिलेक्ट करेंगे, बेस पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 0.0, और आइटम्स कितनी चाहिए आपके पास, 6 चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसे हम प्रेस पुल कर लेंगे, सिलेक्ट द प्रेस पुल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और इसे थ्रू होल कर दीजिए। सो इस तरह से आपके पास ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसे हम शेडेड व्यू में चेक कर लेते हैं। सो देखिए, सारे जो आपके पार्ट्स है ट्रिम हो गए हैं, और इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो लेफ्ट हमारे पास बचा हुआ है। सिलेक्ट द मेन बॉडी, एंटर, सिलेक्ट द सब्ट्रैक्टेड बॉडी और एंटर। सो इस तरह से आपके पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। ओके देन हमारे पास अब क्या आएगा, हम इसे 2D वायरफ्रेम में ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम की बनाएंगे, ये वाला फेस ओपन कर लेते हैं और इसे एक्स वाई प्लेन पे फिक्स कर लेंगे। और देन मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये वाली की बनानी है, तो इसकी विड्थ कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है, और हाइट कितनी आ रही है मेरे पास, 8 mm आ रही है, और इसकी डेप्थ कितनी है, 5 mm। सो यहाँ पे इसे हम बना लेते हैं, एल एंटर, हमारे पास आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 85 की लेंथ है, सो यहाँ पे हम 100.0 पे एक लाइन ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास कितनी डिप आ जाएगी, 2.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, 8 की हाइट है, सो यहाँ पे अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5, बॉटम कितना आ जाएगा, 8, अगेन 2.5, और इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, ई एंटर, सेंटर लाइन को इरेज कर दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए सभी को। सो मैं इसे मूव कर लेता हूँ, सो मैं यहाँ से यहाँ तक 5 mm का डिस्टेंस रख सकता हूँ। सो इसे मूव कर लेंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट आपके पास कौन सा आ जाएगा, या तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए या आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रखें तो कितना आ जाएगा, 50 + 15 = 65। तो 65 से अगर मैं 5 mm का गैप रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 60। सो मैं इसे 60 mm मूव कर लूंगा इस तरह से। देन रोटेट करने के बाद इसे प्रेस पुल कर लेंगे बोथ द डायरेक्शन, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 0.25, बिकॉज मुझे टोटल कितना चाहिए, 0.5 चाहिए। सो 0.25 इस साइड एंड 0.25 अदर साइड। सो इस डायरेक्शन में ले जाएंगे 0.25 अगेन। सो ये चीज हमारे पास आ गई है। अब इसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट, सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, एंटर। सो आप इस तरह से देख सकते हैं ये चीज हमारे पास आ चुकी है, तो अंदर से ये स्लॉट खाली हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसे असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे फिलेट देनी है, सो यहाँ पे हम फिलेट दे लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी हमें फिलेट देनी है, और इसके एजिस पे भी फिलेट देनी है। सो हम फिलेट दे लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1.5 की फिलेट दे रखी है, और यहाँ पे भी 1.5 की ही फिलेट दे रखी है, तो इसे हम बना लेंगे। सो यहाँ पे हम शेडेड व्यू ऑन कर लेते हैं, और इसकी एजिस से हम ये चीज बना लेंगे। सो इससे पहले रेडियस आ जाएगा हमारे पास कितना, 1.5 mm का। सो ये वाली एज आ रही है हमारे पास, तो फिलेट ये आ गई। देन हमारे पास ये वाली एजेस भी आ रही हैं, तो इन पे भी हम फिलेट लगा लेंगे। ये देखिए, ये सारी एजेस आ रही हैं, और इनके साथ साथ हमारे पास ये वाली एजेस भी आ रही है, इन पे भी हमें फिलेट चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके पास ये सारी फिलेट्स आ जाएंगी। सो एंड पे भी हमें फिलेट करनी है। एंड पे कितनी एमएम की फिलेट करनी है, 1 mm की करनी है, या आप 1.5 की भी फिलेट रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ पे हमारे पास चेन आ जाएगी, तो सिलेक्ट एज करेंगे तो आपके पास चेन आ जाएगी, एंटर कर दीजिए इसे, और इस तरह से आपके पास ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें मटेरियल अप्लाई कर देंगे हम, मटेरियल में चले जाएंगे, मटेरियल कौन सा है इसका हमारे पास, प्लास्टिक का, सो लाइब्रेरी से हम प्लास्टिक सिलेक्ट कर लेंगे और इसे डिजायर्ड जो भी आपको सही लगता है आप वो वाला मटेरियल और वो वाला कलर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हैंडल कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही अब हम इसकी रोड भी बना लेते हैं और उसको असेंबल कर लेंगे। ठीक है, सो रोड के डायमेंशन हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या दे रखे है, लेंथ दे रखी है 90 mm की और उसका डाया दे रखा है 5 mm का। तो यही चीज बनाने के बाद इसे रिवॉल्व कर लेंगे और उसके बाद टिप के ऊपर आएंगे, टिप किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 mm का डाया दे रखा है, ये वाला जो है 1 mm का डाया देने के बाद यहाँ पे एंगल दे रखा है 20 degree का। तो सबसे पहले तो मुझे ये वाली टिप रिवॉल्व कट करनी पड़ेगी, रिवॉल्व करने के बाद इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो ये टिप आ जाएगी मेरे पास, देन उसके बाद ये जो स्लॉट है ये काटना है मुझे और इसे एरे करना है। तो ये चीज हम बना लेते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले लाइन आएगी मेरे पास 0.0 से 90.0 तक, बट फ्रेंड्स यहाँ पे 90 नहीं आएगी, 90 से प्लस 50 भी जाएगी क्योंकि मैं यहाँ से डायमेंशन देख रहा था, आपको ये कंप्लीट बनानी है। तो 50 mm भी मेरे पास एक्स्ट्रा आएगी, तो 50 प्लस 90 कितना हो जाएगा 140। सो यहाँ पे लेंथ ले लेंगे हम 140, एल एंटर 0.0 140.0 और उसके बाद 140.25 आ जाएगा और अगेन 0.25 आ जाएगा, सी एंटर कंप्लीट कर देंगे तो इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी। और अगेन इस पॉइंट से हमारे पास -2.5, -2.5। ओके सो ये चीज कंप्लीट होगी, ज्वाइन कर दीजिए और रिवॉल्व कर दीजिए। आर ईवी एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर 0.0, 10.0 और ये चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी सेम यही प्लेन से ये टिप बनानी है। तो पहले मुझे इतना सा एरिया रिवॉल्व करना है, इसकी लेंथ हमारे पास नहीं दे रखी है क्योंकि एंगल दे रखे है। यहाँ से हम 1 mm का रेडियस दे रखे है, तो 1 mm की लेंथ लेके एंगल लगा लेंगे और उसे ज्वाइन करने के बाद रिवॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले लाइन ले लेते हैं, कीप द ऑर्थो ऑन और उसके बाद 1 mm की लेंथ लेने के बाद देखिए ये जो एंगल आ रहा है आपका 180 का आ रहा है, तो मुझे लेंथ लेनी है 20 degree पे। सो एक लेंथ ले लेते हैं, पोलर ऑन कर लेंगे, एट द रेट 5 की लेंथ ले लेते हैं, लेस देन एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 180 से 20 माइनस करेंगे तो 160 degree का एंगल आ जाएगा। ओके सो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें एंगल फाइंड आउट करने में ईज हो जाए। सो यहाँ से भी एक लाइन ले लेंगे और यहाँ से एंगल चेक कर लेंगे एनोटेशन, और यहाँ से हम एंगल चेक कर लेंगे 20 degree आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो एंगल हमारा 20 degree आ रहा है, इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके सो यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और इसे हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी, और इसे भी ट्रिम कर देते हैं। सो हमारे पास ये 3 स्केचेस आ चुके हैं, तो इन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये ज्वाइन हो गया, देन इसे रिवॉल्व कर लेंगे, आरईवी एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर 0.0, बेनिफिट ऑफ ओरिजिन और ये हमारे पास आ जाएगा, देन इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो सब्ट्रैक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट द रिवॉल्व एरिया, एंटर। सो इस तरह से हमारे पास ये टिप आ जाएगी, ये देखिए इसे हम शेडेड व्यू में चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये टिप आ जाएगी, देन अब हम इसे कटिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, सो हमारे पास किस तरह से आ रहा है देखिए, 14.69 तक हमारा ये स्लॉट कट हुआ है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या दे रखी है, देखिए यहाँ पे एंगल दे रखा है 120 का, इट मीन्स जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है इन दोनों का एंगल कितना दे रखा है 120। जो इस टिप से कटिंग हुई है, सो टिप के स्टार्टिंग से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.87, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेंगे हम, 87 का हाफ करेंगे सो कितना हो जाएगा 0.435। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी इसका ओरिजिन मूव कर लेंगे, पहले तो इसे x5 प्लेन पे फिक्स कर लीजिए। सो x एक्सिस आपकी ये वाली है, सो ओरिजिन को मूव कर दीजिए, 140 है टोटल लेंथ, 140.0, 0.0। सो उल्टी डायरेक्शन में चला गया, हमें माइनस में देनी है इसकी वैल्यू,
सो अगेन कंट्रोल जेड करेंगे, -140,0,0। सो इस तरह से आपके पास ये ओरिजिन मूव हो जाएगा और इसे आप रोटेट करके ऑन कर लीजिए, एक्स वाई प्लेन पे यहाँ पे फिक्स कर लीजिए, और यहाँ पे एल एंटर 0,0 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी, 0,0.435। सो ये लेंथ आ जाएगी आपके पास, और यहाँ से एट द रेट लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 की लेंथ ले लेते हैं, लेस देन एंगल कितना आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों के बीच में एंगल कितना चाहिए, 120 चाहिए। सो एट द रेट 5 लेस देन एंगल कितना हो जाएगा, हम बॉटम से 30 डिग्री लेंगे। सो 30 का एंगल आ जाएगा इस तरह से, इसे हम मिरर कर लेते हैं, 0,0 और 0,10। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये चीज भी आ चुकी है, और इसे आप ज्वाइन कर लीजिए किसी तरह से, चाहे तो आप लाइन ले लीजिए, चाहे तो आप आर्क ले लीजिए, नो इश्यू। सो आपके पास ये चीज आ चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइड प्लेन से एक लाइन लेंगे, बिकॉज मुझे इस टिप से इसे रिमूव करना है, ठीक है। सो एल एंटर, ये देखिए ये पॉइंट आ रहा है आपके पास, यहां से आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है। अब मुझे ये लाइन जो है कहाँ तक लेके जानी ये नहीं पता, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस दे रखा है आपके पास 14.69 का। सो 14.69 की एक लाइन ले लेंगे हम, एल एंटर, मेक योर ऑर्थो ऑन, और इसे ऑफसेट कर देंगे, कितना 14.69। सो इस तरह से आपके पास ये ऑफसेट हो जाएगा, और यहां से हम लाइन भी ले लेंगे एक, ताकि इन दोनों को ट्रिम कर दें और ये पॉइंट मेरे पास अवेलेबल रहे। सो एल एंटर, और इस लाइन को भी आप इरेज कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए, एल एंटर, और यहां से हमारे पास ये देखिए ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे मेरे पास एंड पॉइंट आएगा, सो एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, आप इसे एक्स्ट्रा भी लेके चल सकते हैं और यहाँ तक भी रख सकते हैं, नो इश्यू। सो आप देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। अब इसे क्या करेंगे, हम स्वीप कर देंगे, उससे पहले मुझे ये स्केच ज्वाइन करना पड़ेगा, एंटर, और इसे स्वीप कर दीजिए, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट द पाथ। सो इस तरह से ये स्वीप हो जाएगा, और इसे आप अभी एरे कर दीजिए, ए आर एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, और पोलर सिलेक्ट कीजिए, और एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेक्ट करना है यहाँ पे, बेस पॉइंट मत सिलेक्ट करना, अदरवाइज इसकी रोटेशन कहीं और मूव कर जाएगी। ओके, सो एक्सिस मेरे पास आ जाएगी 0,0 और 10,0 बेनिफिट ऑफ ओरिजिन। सो यहाँ पे मैंने 6 ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं, डिफॉल्ट मुझे 4 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। यहाँ पे कटिंग्स जो आपकी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 4 कट्स चाहिए मुझे। सो एरे अगेन करेंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, और पोलर करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन करेंगे 0,0 और 10,0। आई सिलेक्ट करेंगे फॉर द आइटम्स, मुझे 4 चाहिए तो 4 सिलेक्ट करेंगे, एंड क्लोज एरे, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन इसे हम शेडेड व्यू में चेक कर लेते हैं एक बार। इसे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स, देखिए ये सारे एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, बट ये ट्रिम नहीं होंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा और वन बाय वन सभी को रिमूव करना पड़ेगा। सो कंट्रोल जेड कर लेते हैं वंस, और इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं अगेन, एक्स एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं, तो ये देखिए ये ट्रिम हो चुके, और वन बाय वन सभी को रिमूव कर लीजिए। सो सब्ट्रैक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, और इस तरह से ये सभी जो है रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा स्केचेस आ रहे हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी ये जो है रोड कंप्लीट हो चुकी है, और इसे अब हम असेंबल कर लेंगे। इसमें मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं, सिलेक्ट मेटल, और यहाँ से हमारे पास मेटल कौन सा आ रहा है, स्टील आ रहा है, और सबसे बॉटम में चले जाएंगे और स्टील को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास मटेरियल भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो ये हमारी जो रोड है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक चीज रह गई हमारी,
जो मेरे पास यहाँ पे की दे रखी है वही चीज मुझे यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसे एक्सट्रूड करेंगे। सो एक लाइन सिलेक्ट कर लेंगे 0.0 से 20 mm तक। सो 4 mm की लेंथ आ रही है मेरे पास यहाँ पे 4, एंड देन यहाँ पे कितना था 2.5, बॉटम कितना था 8 था मेरे पास, अगेन इस साइड मेरे पास कितना था 2.5, और इसे हम मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे रिमूव कर लेते हैं और इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मेरे पास 20 mm एक्स्ट्रा है तो टोटल कितनी लेंथ है ये 140 प्लस 20 60, तो 160 हो गया। मुझे यहाँ से कितना रखना है 5 mm का डिस्टेंस रखना है, ओके। सो यहाँ पे हम कितना मूव करेंगे 155। सो मूव, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट से हम 155 मूव कर लेंगे। सो इस तरह से आपके पास ये भी आ जाएगा। देन इसे अब प्रेस पुल कर लेंगे, सिलेक्ट द प्रेस पुल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और इसे हम 0.25 इन वन डायरेक्शन एंड इन अदर डायरेक्शन ऑल्सो 0.25, ओके। सो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देन इसे हम यूनियन कर देंगे, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट, एंटर। सो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। देन कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ से हम टॉप प्लेन ऑन करने के बाद कंट्रोल वी करेंगे, और इस तरह से हमारे पास ये चीज आ जाएगी, और यहाँ से हम इसे 3D रोटेट कर देते हैं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, एक्सिस आ रही है ये वाली, और इसे हम 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। सो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। स्केच को रिमूव कर दीजिए और मूव कर दीजिए इसे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ दिस ट्रिप, और सिलेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ दिस ट्रिप, ये चीज। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी दोनों आपस में क्लैश हो चुके हैं। सो इट मीन्स हमने बिल्कुल सही बनाया है, और टॉप प्लेन से देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल ही अलाइन हो चुके हैं ये सारे। सो बिल्कुल सही बनाया हमने। सो इसका रियलिस्टिक व्यू चेक कर लेते हैं एक बार। सो इस तरह से हमारे पास इसका रियलिस्टिक व्यू आ रहा है। सो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी टिप भी बिल्कुल शार्प बनी है, बिल्कुल सही बनी है, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें काफी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। सो इसे ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, इसे बनाइए, इसका रेंडर भी निकालिए, और ऐसी चीजें अगर आप बनाते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ओके। और आने वाले टाइम पे जब जॉब्स निकलेंगी तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं अलग से आपको क्वेश्चनरीज भी दूंगा और वीडियोस भी बनाऊंगा उसके लिए, आप इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए आपको, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहता है, और अदर वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।